दीनता ही मुख्य है। तो आचार्य चरणैः उक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। लेकिन भगवान क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि। यत दैन्यम त्वत्कृपा हेतुः न तदस्ति ममाण्वपि। जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वह दैन्य तो मुझमें अणु मात्र भी नहीं है, एक अणु के बराबर भी मुझमें दैन्य नहीं है। हे भगवान, अब आप ही कृपा करके इस अभिमान में भरे हुए इस अधमाधम के भीतर आप ही दीनता प्रकट कर दीजिए। क्योंकि आचार्य चरण ने कहा है कि दैन्य ही आपकी कृपा का साधन है, और मेरे भीतर दैन्य है नहीं, अब मैं महाराज दैन्य लाऊं कहां से, कहां से लाऊं? आप सर्वसमर्थ हैं और हम सर्वसाधन शून्य हैं, और सर्वसाधन शून्य व्यक्ति में भी दैन्य आ जाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो साधन तो है ही नहीं, दैन्य भी नहीं है, और आप सर्वसामर्थ्यवान हैं, तो आप अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि डालिए, इसका अभिमान दूर हो जाए और इसमें दैन्य प्रकट हो जाए, और जब दैन्य प्रकट हो जाएगा तो आप रीझ जाएंगे। वैष्णवों में निष्ठा, श्री विठलनाथ जी महाराज की वैष्णवों में बड़ी निष्ठा थी। एक बार श्री गोसाई जी महाराज सेवा में जा रहे थे श्रीनाथ जी की। आप लोग जानते हैं अपरस की सेवा वैष्णवों में प्रायः होती है, केवल बल्लभ कुल में ही नहीं, यहां भी हमारे वृंदावन में भी श्री राधा रमण जी में अपरस की सेवा, श्री बिहारी जी में अपरस की सेवा, श्री राधा वल्लभ जी में अपरस की सेवा। अपरस की सेवा एक सेवा की मर्यादा है, और अपरस अपरस का बड़ा विचार है हमारा। इस अपरस अपरस के ऊपर तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने एक चुटकी ली है, बोले जासों अपरस चाहिए तासों सपरस नित्य। कंचन कामनी से अपरस चाहिए, तो जासों अपरस चाहिए तासों सपरस नित्य। और जिनका स्पर्श प्राप्त करके श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव होता है उनसे अपरस है। बड़ी दुख की बात। श्री गोसाई जी महाराज सेवा में जा रहे थे, और उसी समय उनका भांजा आया और उसने चरणों में प्रणाम किया, चरण छू लिया। कहीं कहीं भांजे के चरण मामा जी छूते हैं, लेकिन ऐसी भी परंपरा है जहां भांजे के चरण भांजा मामा जी के ही चरण छूता है, और वैसे भी शास्त्र की दृष्टि से भी ठीक ही है, क्योंकि मामा माँ का भाई है, पूजनीय है, उसके चरण वंदन करना चाहिए, माता के तुल्य वो तो पूज्य है, माता का भी माँ से भी बड़ा है तो पूज्य तो है ही है, मामा है, चरण छू लिए। मामा जी प्रणाम, आपने कहा कौन है तू? महाराज आप भूल गए, मैं आपका मामा जी, मैं आपका भांजा हूं। फिर आपने कहा परिचय दो अपना, कौन हो तुम? कहा आप इतने जल्दी भूल गए, मैं आपका भांजा हूं। फिर पूछा कौन हो? बोले मैं आपका भांजा हूं। तुरंत गोसाई जी गए, उन्होंने स्नान किया, दूसरे रेशमी वस्त्र धारण किए, तब गए मंदिर में। भांजे को बहुत बुरा लगा, अरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार, हम नहा धो के आए, हम कोई बिना स्नान के तो थे नहीं, वो चरण छू लिए तो स्नान किया है गोसाई जी ने। दूसरे दिन क्या हुआ, आप सेवा में जा रहे थे, तब तक एक वैश्य ने, एक सेठ ने आकर आपके चरणों में दौड़कर चरणों में वंदन कर लिए। आपने कहा कौन? कहता दासानुदास, यह एक आपके चरण कमल का दास, श्री जी का दास, एक वैष्णव। कौन? महाराज मैं वैष्णव हूं,
ब्रह्म संबंध प्राप्त वैष्णव हूं। तीसरी बार कहा, कौन हो तुम? मुस्कुरा कर कहा, कौन हो तुम? कहा, महाराज आप पूछेंगे तो कैसे मैं कहूंगा, आप लोगों ने तो कृपा करके इस दास को ब्रह्म संबंध दिया है, मैं वैष्णव हूं। इतना सुनते ही श्री विठला जी के नेत्र भराए, उसको छाती से लगाया और मंदिर में चले गए। भांजे ने कहा, महाराज हम नहा धो के आए थे, संध्या वंदन करके आए थे, हमने छू लिया तो नहाया, ऐसे ठाया तो उसको छाती से लगा के भीतर चले गए। कहे, भले ही वैश्य है लेकिन इसके हृदय में यह अभिमान है कि मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान का हूं, मैं वैष्णव हूं। इस भाव की प्रतिष्ठा जिसके भीतर है वो सदा सर्वदा पवित्र है, और संसार से शरीर से जिसका संबंध है वो चाहे जितने शौचाचार का पालन करे वो नित्य अशुद्ध ही है। इसने अपना संबंध शरीर से नहीं जोड़ा, संसार से नहीं जोड़ा, इसने अपना संबंध श्री जी से जोड़ लिया, ठाकुर जी से जोड़ लिया, आचार्य चरण से जोड़ लिया, इसलिए सदा पवित्र है। ऐसी अद्भुत वैष्णवता आप में विराजमान थी। वल्लभ कुल में जो ब्रह्म संबंध की परंपरा है उसमें एक गद्य का उच्चारण 15 अक्षर का गद्य है, पंचदशाक्षर समर्पण मंत्र उसका उच्चारण कराते हैं और एक गद्य का उच्चारण कराते हैं। ये गद्य इतना सुंदर लगा हमको, तो हमें लगा कि इस गद्य को तो सबको ही कहना चाहिए, भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना लगी। यह गद्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का की वाणी है, उनका गद्य है। वे कहते हैं, सहस्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग जनित ताप लवेशानंद तिरो भावो हम भगवते कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय देह इंद्रिय प्राणांतः करणानि तद धर्माश्च दारागार पुत्रे हा पराणि आत्मना सह समर्पयामि दासो हम श्री कृष्ण तवास्मि। और इसका मूल आधार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने सकृदैव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम त्यक्ता दारांश्च पुत्रांश्च राघवम् शरणंगतः। विभीषण की शरणागति के भाव को आधार मान करके श्री वल्लभाचार्य जी ने इस गद्य की रचना की। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। हे श्री कृष्ण, सहस्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग जनित, हे भगवन लाखों हजारों लाखों जन्मों से हम आपसे विमुख हो रहे हैं। महाराज आपसे हम लाखों जन्मों से विमुख हो रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं। तो जब आपसे हम अलग हो गए तो हमें विरह होना चाहिए कि नहीं? हे नाथ इतने जन्म आपके बिना हमारे बीत गए। लेकिन महाराज बड़े दुख की बात है कि लाखों करोड़ों जन्म तक आपसे विमुख रहने के बाद भी जो विरह वेदना हमारे चित्त में होनी चाहिए वह विरह वेदना आज तक हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हुई। आपकी तो आप जाने, हमको नहीं समझ में आता कि कभी हम व्याकुल होकर ऐसे रोए हों को, हे नाथ इतने अरब खरब जन्म आपके बिना बीत गए, अब क्या होगा, हे प्रभु अब तो कृपा कीजिए, ऐसी विरह वेदना भीतर नहीं आई। महाप्रभु जी कहते, महाराज लाखों करोड़ों जन्मों से तो आपसे विमुख हो रहे हैं और जो विरह वेदना होनी चाहिए थी कि इतने जन्म आपके बिना बीत गए, इसकी चित्त में ग्लानी होनी चाहिए थी, उस ग्लानी का भी चित्त में सर्वथा अभाव है, चित्त में ग्लानी भी नहीं हो रही। हे नाथ फिर भी आज आप अपनी कृपा करुणा का विचार करके इस दीनहीन दास पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालकर इसे शरण में स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान
यद्यपि समर्पण की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मेरा कहने के लिए कोई वस्तु तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये वस्तुएं मेरी हैं नहीं, फिर भी हमने मेरा मान रखा है, इसलिए कृपा करके इन वस्तुओं को आप अंगीकार कर लीजिए। किन किन वस्तुओं को? बोले देह, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, उनके गुण, धर्म, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, पशु, लोक, परलोक। हे गोपी जन वल्लभ, कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणानि तद्धर्माश्च दारागार पुत्र इह और अपराणि, इहलोक परलोक, इन सबको आत्मना सह समर्पयामि, अपने साथ समर्पित करता हूं। देखिए यहां ध्यान दें, अकेली शरणागति नहीं हुई, अपितु घर कुटुंब स्त्री पुत्र पशु धन इंद्रियों की वृत्ति प्राण सबकी शरणागति होगी। हे प्रभु, सबके साथ में आपको समर्पण करता हूं, दासो हम, आपका मैं दास हूं, तब मैं आपका दास हूं। हे श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। एक रचना श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की है, इसका नाम है मधुराष्टक। और मधुराष्टक तो इतना प्रसिद्ध है महाराज कि प्रायः सर्वत्र गाया जाता है, और संगीत वाले कथावाचक तो प्रायः मधुराष्टक को प्रायः स्तुति में गाते ही हैं। बड़ा सुंदर है मधुराष्टक। श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वेणुर्मधुरो धेनुर रेणुर्मधुरः, रेणु माने रज भी मधुर है, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, रूपम मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम। आपकी छाक लीला भी बड़ी मधुर है, और आपकी शयन कुंज में प्रवेश की झांकी और सैया पर पौढ़ कर सोने की झांकी भी बड़ी मधुर है। गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, करणम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, बमितम रमित मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गुंजा मधुरा, आपके कंठ में गुंजा माला है, बड़ी मधुर है, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीचिर मधुरा, यमुना की लहर भी बड़ी मधुर है, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम।
दृष्टम मधुरम, अमृतमयी दृष्टि है, दृष्टम मधुरम श्रशिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा, आपकी छड़ी लकुट भी बड़ी मधुर है, सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। चार श्लोक श्री वृत्त चतुश्लोकी के हैं, उनकी व्याख्या आप लोग बार बार सुन चुके हैं। महाप्रभु जी ने उनको अपने सिद्धांत का आधार माना, अपने पुष्टि मार्ग की नींव माना चार श्लोकों को। इसलिए महाप्रभु जी के चरित्र में महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए इन चार श्लोकों का उच्चारण करना भी आवश्यक है। और महाप्रभु जी ने यहां तक कहा है श्री वल्लभाचार्य जी ने कि प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है इन चार श्लोकों के द्वारा, वृत्त जी के शब्दों के द्वारा वह भगवान को नित्य पुकारे। पुकारने से क्या होगा? बोले कर्म बंधन का नाश होगा, अंतःकरण सर्वथा निष्काम होकर पवित्र हो जाएगा और प्रेम लक्षणा भक्ति से परिपूरित हो जाएगा। ये तीन लाभ बताए हैं इसके पाठ के। हम लोग एक बार श्री महाभागवत वृत्त जी के इन चार श्लोकों का उच्चारण करें। अहम् हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकप्रष्ठम् न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिः अपुनर्भवम् वा समञ्जसत्वा विरहैयकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेवव्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्ति जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों का मैं दास बन पाऊं ऐसी मेरी योग्यता कहाँ है? आप ऐसी कृपा करो मैं दासानुदास बन जाऊं। और हे प्रभु, हमें तो दासानुदास बनने में ही लाभ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपका पार्षद था, आपका दास बनकर देख लिया, आपका दास बनने के बाद भी असुर योनि में जाना पड़ा, लेकिन आज तक कहीं कोई ऐसा इतिहास प्रसिद्ध नहीं है जबकि दासानुदास बनकर किसी जीव को संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ा हो। तो हे प्रभु, आप कृपा कीजिए मैं दासानुदास बन जाऊं, इस जन्म में बन जाऊंगा भविता, दूसरा जन्म हमारा कहीं हो तो वहां भी दासानुदास ही बन, हमारा मन आपके गुणों का स्मरण करे। हे अशुपते, हे प्राण, अशुपते माने हे प्राणपते, हमारा मन आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करे और कर्म करो तू काया, हमारा शरीर निरंतर आपकी सेवा करे। भाई, इतनी अनन्य भक्ति के द्वारा तुम चाहते क्या हो? बोले महाराज, हम कुछ नहीं चाहते, यही तो विशेषता है। जो सच्चे प्रेमी हैं उनमें चाह नहीं होती, और जिनमें कोई लौकिक पारलौकिक वस्तु की चाह होती है, इच्छा होती है, वे सच्चे प्रेमी नहीं होते। हे प्रभु, मैं तो केवल आपका प्रेमी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ननाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ शब्द का अर्थ ध्रुवलोक किया है, स्वर्गादिलोक ब्रह्मलोक तक नाक और उनका पृष्ठ ऊपरी भाग पर अवस्थित ध्रुवलोक, ननाक पृष्ठम। दूसरा अर्थ है इंद्रलोक, लेकिन ननाक पृष्ठम के बाद न च पारमेष्ठम, तो ध्रुवलोक के बाद ब्रह्मलोक है, इसलिए क्रम भी यही ठीक लगता है। मैं ध्रुवलोक भी नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहता, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना चाहता, मोक्ष चाहते हो? बोले हे प्राण बल्लभ, हम तो केवल आपको चाहते हैं, आपको छोड़कर दूसरी वस्तु को नहीं चाहते। यही है भक्ति का सार। भगवत अतिरिक्त, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी कामना की गंध चित्त में न रह जाए, गंध सुगंध भी न रह जाए, केवल एक चाह। और बार बार यही निवेदन है, केवल भगवत प्राप्ति की जो कामना है वही कामना चित्त को शुद्ध करने वाली है, और ऐसी पवित्र कामना जो चित्त को सर्वथा विशुद्ध बना दे, ऐसी कामना अशुद्ध अंतःकरण में प्रकट नहीं होती। शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होती है, शुद्ध अंतःकरण होता है भगवत चरित्रों के बारंबार श्रवण से, शुद्ध अंतःकरण होता है भागवतों के चरित्रों के बारंबार श्रवण से, और शुद्ध अंतःकरण होता है निरंतर महा महा महिमामय भगवान नाम के दृढ़ निष्ठा पूर्वक आश्रय से चित्त शुद्ध होता है। तो खूब सत्संग करें, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते जहां तक हो सके बस ध्यान रखें। कैसे? ज्यों नागरिको चित गागर में। देहात में माताएं अब तो नल चल गए हैं, नहीं कुआं से पानी भर के चलती, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा है, और हमारा हाथ में भी उनके पात रहे थे जल के, वो कंधे पर रख लेती रस्सा दोनों हाथों में, वो पकड़ती नहीं महाराज, वो चलती भी है, सीधी सीधे नहीं चलती कि बहुत संभल संभल के चले, वो खूब चटक मटक चलती जाती है, सिर घुमाकर अपनी सहेलियों से बातचीत भी करती जाती है। उनका मस्तक पर रखा हुआ जलपात्र गिरता नहीं, क्यों नहीं गिरता? वो बात भले ही करते हैं लेकिन उनका मन जो है वो घड़े में रखा रहता, और जैसे ही उनका मन वहां से हट जाएगा, ध्यान वहां से हटा कि बस सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, बसों पे लिखा रहता है। ये वाक्य हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसी भगवान नाम से सावधानी हटी कि माया की दुर्घटना घटी। जिस क्षण भगवान नाम से रहित हो जाएंगे उसी क्षण माया की दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए नाम पे राखे ख्याल, नाम पर ध्यान रखे। ऐसा करने से भागवत में लिखा है, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुतचित्त उच्च हसत्यथो रोदति रोत गायत्युन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रता, इस प्रकार का संकल्प ले ले भगवान नाम कीर्तन का, भगवान नाम स्मरण का, भगवान लीला श्रवण का व्रत ले ले, प्रतिज्ञा कर ले, इन तीन काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना, तो जातानुराग, अनुराग प्रकट हो जाएगा। फिर कभी कभी भगवान की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करके हंसने लग जाएगा, कभी उच्च स्वर से पुकारने लग जाएगा, कभी प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लग जाएगा, और जब प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लग जाएगा तो मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र कर देगा। हे प्रभु मैं क्या चाहता हूं? हे समंजस, हे प्राण बल्लभ, हे सर्व सौभाग्य निधे, आपको छोड़ करके दूसरी वस्तु में नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? अजात पक्षा इब मातरंग खगा, अजात पक्षा खगा मातरम इव, अजात पक्ष पक्षी, अभी जिनके पंख नहीं हो गए, अंडा फोड़ के बाहर निकले हैं, वह अपनी मां के लिए व्याकुल रहता है,
और माँ जाती है थोड़ा सा एक बूंद जल लेके चोंच में आती, चोंच में चोंच डाल के जल पिला देती, चोंच में चोंच डाल के अन्न खिला देती। हे नाथ, ऐसे ही उस अजात पक्ष पक्षी की तरह मैं व्याकुल हृदय से आपको पुकारता रहूं, और मुझे देखिए इसमें एक ध्वनि निकल रही है, मुझे खाने पीने की भी सुध न रहे, मैं भोजन करूं कि जल पीऊं इसकी भी सुध मुझे न रहे, आप ही आकर खिला जाएं, आप ही आकर पिला जाएं, मैं तो केवल आपको पुकारता रहूं। श्री वल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक की में एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि ये दृष्टांत तो बहुत अच्छा है, लेकिन वृत्त जी की समझ में आया कि वह पक्षी अपने माता पिता से अन्न जल प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, तो अब वो पक्षी लाता है अन्न अथवा जल तो अपने से अतिरिक्त वस्तु लाता है, और वो अपने से अतिरिक्त वस्तु देता है और उस वस्तु को प्राप्त करके वो पक्षी प्रसन्न हो जाता। कहते वृत्त जी भयभीत हो गए, उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोग पदार्थ हमको दें, हम उसी में संतुष्ट हो जाएं। इसलिए बोले भगवान अब हम दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जिस बछड़े ने अभी चारा चरना नहीं सीखा है, केवल गैया के दूध पर जीवित है जो बछड़ा, ऐसे स्तनंदय वत्स के समान मैं आपके लिए व्याकुल हूं। अब देखो, गैया बछड़े को चारा खिलाती है, दाना खिलाती है, जल पिलाती नहीं, अपितु जब बछड़ा हुंकार करता है, गाय हुंकार करती है, तो उसका वात्सल्य ही दूध बनकर आंचर में उतर आता है, और अपने ही वात्सल्य को, प्रेम को, वात्सल्य को बछड़े को पिलाकर पुष्ट करती है। ऐसे ही हे नाथ, आपका वात्सल्य पाकर मैं पुष्ट हूं, भोग प्राप्त करके पुष्ट न हूं, आपकी कृपा करुणा, आपका भक्त वात्सल्य पी पी कर मैं तृप्त हूं और आपकी याद करूं। यह बड़ा सुंदर भाव श्री वल्लभाचार्य जी का लगा। और तीसरा दृष्टांत है, महाराज बछड़ा भी चारा चरना सीख लेता है तो दूध के आधार पर ज्यादा नहीं रहता। अंतिम दृष्टांत है, बोले जैसे कोई प्रियतमा अपने पति के वियोग में विह्वल बनी रहती है, और जब तक पति नहीं आ जाता उसका न भोजन में मन लगता, न शयन में मन लगता, न खाने पीने में मन लगता। महाराज विरही संतों की तो ऐसी दशा है, उनके लिए सब ऋतुएं भी व्यर्थ हो जाती। श्री मीरा जी कहती हैं, महाराज ये वर्षा ऋतु ऐसी ऋतु है कि कौन ऐसा है जिसका मन वर्षा काल में हरा भरा ना हो जाए, क्योंकि चारों ओर जब सृष्टि में हरियाली देखता है तो सबके हृदय भी प्रसन्न हो जाते हैं, वृक्ष लता पता सब हरे हो जाते हैं, सारी धरती हरी हो जाती, लगता पृथ्वी माता ने भी हरे रंग की साड़ी ओढ़ ली है, बड़ी सुंदर शोभा हो जाती है, बादल बरसते हैं तो सबके हृदय प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन श्री मीरा जी कहती हैं, बादल देख डरी श्याम में, बादल देख डरी कारी पीरी घटा उमड़ी, बरस्यो एक घरी जाके पिय परदेश बसत हैं, मैं तो भी यू बाहर खड़ी श्याम में बादल देख डरी। हे प्राण बल्लभ, आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, तो वियुक्ता प्रियतमा का जो प्रेम है उस प्रेम से उत्कृष्ट और कोई दूसरा प्रेम नहीं। संयोग की अवस्था में भी प्रेम और वियोग की अवस्था में भी प्रेम, और कहां तक कहा जाए, यदि पति का वियोग हो जाए तो जीते जी चिता में चढ़ जाती है, और चिता में चढ़ते समय भी संकल्प करती है मुझे पति की सेवा ही प्राप्त हो, तो सती साध्वी पतिव्रता नारी से उत्कृष्ट प्रेम संसार में कहीं होता ही नहीं है। जैसे वह प्रियतमा अपने पति के लिए व्याकुल रहती है, ऐसी हे प्राणपति मैं आपके लिए निरंतर व्याकुल बना रहा। और क्या चाहते हो महाराज, और हमारी दूसरी इच्छा है क्या? ममो तमश लोक जने सुसख्यम, आपके जो जन है ना, जो आपके प्राण प्यारे भक्त हैं, उनसे हमारी मित्रता हो जाए, उनसे मित्रता हो जाए। बात क्यों कह रहे हैं भाई? देखो ये बात इसलिए कही जा रही है, दो प्रकार के हैं लोग संसार में, दो प्रकार के जीव हैं, एक तो सती एक असती।
दो प्रकार की जीवात्माएं हैं, एक सती और दूसरी असती। भगवान में जिनकी वृत्ति लगी भई है वे सती जीवात्माएं हैं, शरीर और संसार में भोगों में जिनकी वृत्ति भटक रही है वे असती जीवात्माएं हैं। ये संसार के लोग उल्टा है, इनका मन संसार में लगा है, भोगों में लगा है, विषयों में लगा है। कोई पतिव्रता नारी कुलटाओं के बीच में जाकर बैठ जाए, कुलटाओं का संपर्क कर ले, तो वह उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं मानी जाएगी। कभी न कभी अपने धर्म से डिग जाएगी, वो च्युत हो जाएगी। और पतिव्रता अपने धर्म में निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, तीय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा, वो खड्ग की धार के समान है, दुधार तलवार की धार के समान है, उस पथ पर कैसे चले? बोले सती नारी सती का संग करे तो उस पर आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही भगवत प्रेम के पथ पर चलने के लिए संसारियों का संग नहीं चाहिए, भोगियों का संग नहीं चाहिए। कंचन और कामनी में आकंठ डूबे हुए विमुख प्राणियों का संग नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए तो प्रभु प्राप्ति पथ पर निष्काम भाव से चलने वाले संतों का संग चाहिए। संतों का संग मिल जाए तो वृत्ति अपने आप भगवान में लग जाएगी। महाराज अच्छे से अच्छे संत भी जब ज्यादा रजोगुणी तमोगुणी जीवों के संपर्क में रहने लग जाते हैं तो फिर उनको संसार रुचिकर लगने लग जाता है, उनको संसार के भोग अच्छे लगने लग जाते हैं, और इतने अच्छे लगने लग जाते हैं कि वे फिर उन भोगों के संग्रह के लिए अपनी साधुता को ही एक कोने में रखकर छल प्रपंच पाखंड और दंभ का भी आश्रय लेने लग जाते हैं। इसलिए महाराज ये सतीत्व को सुरक्षित रखने का उपाय है, संतों के संपर्क में रहो, निरंतर संतों के संपर्क में रहो। संसारियों से जो व्यवहार है वह केवल सत्संग तक का व्यवहार रहे, उसके बाद ज्यादा व्यवहार उनसे नहीं रहना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ आसक्तचित्तस्य स्त्री पुत्र घर धन जिन इनमें जिनकी आसक्ति बनी भई है ऐसे आसक्त चित्त विषयी पुरुषों से हमारा संग न हो, हमारा संग केवल आपके प्राण प्यारे भक्तों से हो जाए। कहाँ तक कहें, जो लोग भले ही देखने में साधक या सिद्ध दिखाई पड़ते हैं किंतु ईमानदारी से भजन के मार्ग में नहीं लगे हैं, ऐसे लोगों को दंडोत कर ले, प्रणाम कर ले, भूखे हों तो भोजन दे दे, जल पिला दे, सेवा कर दे, उनमें दुर्भाव न करे, अभाव न करे ऐसे लोगों में भी। लेकिन यदि वे भगवान में नहीं लगे हैं तो सही बात तो यह है कि उनके भी संपर्क में ज़्यादा बैठने की आवश्यकता। श्री मलुकदास जी महाराज का एक दोहा, मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। राम जी के भजन में मगन नहीं है, कथा कीर्तन में मगन नहीं है, रुपया पैसा चेला चांटी इसी में मगन है, तो दंडोत प्रणाम भले ही कर लो लेकिन उसके पास मत जाओ। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? बोले कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। एक कौड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा और बातें लंबी चौड़ी करेगा। इसलिए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवत प्राप्ति के पथ में जो अग्रसर हों उनसे मित्रता हो जाए। आसक्त चित्तस्य नाथ हुयात, जो आसक्त चित्त हैं उनसे हमारा किसी प्रकार का संपर्क संबंध न हो, बस एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में और इसे छोड़कर दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है।
इसी भाव को प्रियादास जी ने कहा है, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्ति सो विमुखता को मुख ना दिखाए भी। भक्त से जो विमुख हो उसका मुख भी हमें देखने के लिए न मिले। ये चार श्लोक वृत्त जी के हैं। इसी पर वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्टि धर्म की स्थापना की और इससे एक चार कारिकाएं प्रकट की जिनको वल्लभ चतुश्लोकी कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, बड़े सरल है। बोले सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः श्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। ये प्रथम कारिका है। सर्वदा, सर्वदा माने सर्वकाल, सदा सर्वदा। ऐसा नहीं कि केवल एकादशी को भजन करना चाहिए, रामनवमी जन्माष्टमी को भजन करना चाहिए, नहीं, सर्वदा। वैष्णव का धर्म है वह सर्वदा सर्वकाल में भगवान का स्मरण करे, भजन करे। भजनीय, भजनीय का तात्पर्य क्या है? भज धातु सेवार्थक है, इसका तात्पर्य सेवनीय है। सेवनीय का तात्पर्य भजन माने केवल जप करना नहीं, भजन का तात्पर्य है सेवन, भगवान के रूप का दर्शन करना, वैष्णव का संत का दर्शन करना, ये आंख का भजन है। भगवत चरित्र भागवत चरित्र श्रवण करना ये कान का भजन है। श्री ठाकुर जी के चरण कमल मकरंद की सुगंध को डूब करके सूंघना, ध्यान में उसका आघ्राण करना और उसी भाव में मग्न रहना, ये नाक का भजन है। जिह्वा से नाम जप करना, कीर्तन करना, ये जिह्वा का भजन है। ठाकुर जी के अधरामृत प्रसाद युक्त महाप्रसाद का स्वाद लेना, ये महाराज जिह्वा का भजन है। हाथ से सेवा पूजा करना, संत गौ ब्राह्मण गुरु भगवान इनकी सेवा हाथ से करना, ये हाथ का भजन है। पैर से मंदिर की प्रदक्षिणा करना, वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, ये पैर का भजन है। और महाराज शरीर का भजन, भागवतों का आलिंगन करके शरीर का भजन, ये शरीर का भजन, ये सब भजन है। तो सर्वदा सदा सर्वदा सर्वकाल में संपूर्ण परिस्थितियों में अपने संपूर्ण देह इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान का ही सेवन करना चाहिए। यही है सानमुख्य, यही है सानमुख्य। सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। सन्मुख माने क्या है? हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भगवदन्मुख ही रहें, भगवान की ओर ही लगे रहें, इसी का नाम है सन्मुख होना। इसके बिना सानमुखी कहां आएगा? यही है सन्मुखता। रोकि हो नयन बिलोकत और ही, ये सानमुखता का जानकी जीवन की बली जय श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, यही है हरिश्रवणम। कहने का तात्पर्य है यही है सन्मुखता। सर्वदा सर्वभावेनो भजनीयो, कौन भजन के योग्य है? कहते ब्रजाधिप भजनीय, ब्रजाधिप भजनीय। कहते हमारा धर्म क्या है? कहते यह हमारा अपना धर्म है, यही हमारा अपना धर्म है। नान्य, इनकी सेवा को छोड़कर, इनकी निष्काम सेवा आराधना उपासना को छोड़कर हमारा दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्वापि कहीं भी नहीं है, और कदाचन माने कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है और कभी भी नहीं है। ये वृत्त चित्र श्लोकी से ये कारिका आपने प्रकट की। और दूसरी कारिका है, बोले एवं सदास्म कर्तव्यम, बस इसी भाव को सदा बनाए रखो, इस प्रकार सदा सर्वदा सेवा रूपी धर्म का पालन करते रहो, तब क्या होगा?
बोले फिर तुम्हें प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी कि हे नाथ हमारा कल्याण करो। फिर बोले स्वयमेव करिष्यति, सर्वसमर्थ श्री कृष्ण स्वयं ही सब कुछ कर देंगे, तुमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतिताम ब्रजेत। इस प्रकार से अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि अंतःकरण के द्वारा जब भगवान की श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएगा तो आगे का सारा कार्य भगवान करते हैं, वे ही कर रहे हैं, ऐसा भाव जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो ततो निश्चिंतिताम ब्रजेत, फिर चिंता नहीं रह जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज का एक वाक्य कहते, अब तो हमें चिंता नहीं रह गई काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये अर्थ मत लगा लेना कि व्यास जी पांव पसार के सोते थे, वो निरंतर उपासना में लगे हुए हैं। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब उपासना तो हमारा प्राण बन चुकी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन उपासना का सहारा नहीं है, सहारा तो आपका है। इस कथा श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल में कह रहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार। किसी के भजन का बल है, किसी के आचार का बल है, लेकिन हे भगवान हमें तो केवल काहू के बल भजन को कुल करनी की आस, भक्त दाम माला सुघर उर्वशो नारायण दास। ये संत हमारे हृदय में बसे रहे, हमें तो संतों का सहारा है। और महाराज एक संत ऐसे हुए हैं श्री अनंताचार्य स्वामी, उन्होंने तो लिखा है दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कि हमको संतों की भी शरण नहीं, हमको तो संतों के पाद त्राण का ही सहारा है, जूतियों का सहारा है। कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयंतु हरिदासानाम पाद त्राणावलंबका। हम तो हरिदासों के पाद त्राणों के अवलंबक हैं। हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री मदन मोहन सूरदास जी भी कहते हैं, संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं मैं, ये मेरी गति तुम ही न और तोस पाऊं, इसी पद का अंतिम भाग है। संतन की पान ही को रक्षक कहाऊं, निम अरु नौ योगे स्वरा पाद त्राण की हो शरण। कहते इस प्रकार से जब निरंतर निष्काम भाव से प्रेम में डूब करके श्री ब्रजेश्वर श्री कृष्ण की, ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की सेवा करने लग जाएगा तो ततो निश्चिंतिताम ब्रजेत, श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, वे ही सब करने कराने वाले हैं, इस भाव की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इस भाव की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ततो निश्चिंतिताम ब्रजेत, फिर जीवन में कृतकृत्यता आ जाएगी, कृतार्थता आ जाएगी, फिर चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी तो कह रहे हैं, सखा सोच त्याग हु बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे। ठाकुर जी के बल का आश्रय लेकर के शोक का त्याग कर देना चाहिए। आहा, तीसरा वाक्य तो बड़ा अद्भुत है, जो चतुश्लोकी का अनुसंधान करके तीसरी कारिका लिखी है वो तो बड़ी अद्भुत है, लेकिन इस कारिका का भी अर्थ ही करना, अनर्थ मत कर देना। श्री आचार्य वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, ओले यदि श्री गोकुलाधीशः, बहुत सरल श्लोक है, बिना व्याख्या के भी आप अर्थ समझ लेंगे। यदि श्री गोकुलाधीशः धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैः अपि। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि गोकुलाधिपति श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भक्तवांछा कल्पतरु मुरली धार मनमोहन श्याम सुंदर रसिक शेखर श्याम सुंदर, यदि
उनको सर्वात्म भाव से हृदय में धारण कर लिया है, तो अब बताओ, अब लौकिक कर्म और वैदिक कर्म इन दोनों से भी अब क्या प्रयोजन रह गया? अब न तो लौकिक कर्म से प्रयोजन रह गया और न वैदिक कर्म से प्रयोजन रह गया। इसका तात्पर्य लोग गलत लगा लेते हैं। क्या बोले, अब लौकिक और वैदिक से क्या तात्पर्य रह गया? तो लौकिक तो नहीं छोड़ पाते हैं, रुपया पैसे का ठीक ठीक हिसाब रखते हैं, व्यापार व्यवसाय का ठीक ठीक हिसाब रखते हैं, स्त्री पुत्र परिवार का ठीक ठीक हिसाब रखते हैं, लेकिन संध्या वंदन है, तर्पण है, यज्ञ है, हवन है, पाठ है, पूजा है, देवताओं की उपासना, इसको छोड़ देते। कहते अरे अब तो हम भगवान के हो चुके, अब हमको इनसे क्या प्रयोजन, ये अनर्थ है इसका। इसलिए आचार्य का वाक्य का ध्यान दें, यदि श्री गोकुलाधीश धृत सर्वात्मना हृदय, सर्वात्म भाव से हृदय में यदि गोकुलाधीश को धारण कर लिया है, शिवृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। विराजमान हरिशरणम। अभी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का जो ब्रह्म संबंध का गद्य है उसकी चर्चा चल रही थी, और उसके पश्चात दैन्य की महिमा की चर्चा हुई। अपने सिद्धांत का मूल आधार महाभागवत श्री वृत्त जी की चतुष्लोकी को माना, उसकी चर्चा हुई, और वृत्त चतुष्लोकी के ऊपर श्रीमन महाप्रभु जी ने कारिका लिखी है, चार श्लोक लिखे हैं, बड़े सरल हैं, उन्हीं की चर्चा चल रही है। पुनः एक बार हम स्मरण कर लेते हैं इन चारों श्लोकों का। ये वृत्त चतुष्लोकी का सार सर्वस्व है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि इन वृत्त महाराज की चतुष्लोकी का अनुसंधान करके हमको यह सिद्धांत समझ में आया, वैष्णवों को यह सिद्धांत अंगीकार कर लेना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? सर्वदा सर्वभावेना भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। परम भागवतों का, वैष्णवों का एकमात्र यही धर्म है। क्या बोले? सर्वदा। सर्वदा करते सर्व काल में, सर्व भाव से, सदा सर्वदा श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का ही भजन करना चाहिए। भजनीय शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या लिखी है। भजनी का तात्पर्य है अपने देह, इंद्रिय, अंतःकरण की समग्र वृत्तियों के द्वारा भगवान का ही सेवन करना चाहिए। नेत्र से रूप दर्शन ये भजन है, नेत्र का भजन है। कान से कथा श्रवण, चरित्र श्रवण, ये कान का भजन है। नाशिका से भगवत चरणारविंद में समर्पित तुलसी का आघ्राण, चरण कमल मकरंद का आघ्राण, ये नाशिका का भजन है। जिह्वा से नाम का स्वाद, ये जिह्वा का भजन है। प्रसाद रस का स्वाद, ये जिह्वा का भजन है। हाथ से सेवा पूजा परिचर्या, ये हाथ का भजन है। पैर से प्रदक्षिणा, ये पैर का भजन है। और भक्त का आलिंगन करना, ये शरीर का भजन है। मन से चिंतन करना, वाणी से गुणानुवाद का वर्णन करना, इस प्रकार से अपने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको श्री कृष्णार्पित करके निरंतर इनके ही अनुभव में लगे रहना, यह सिद्धांत समझ में आया।
और आप देखें ठीक पहले श्लोक की व्याख्या होगी। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत बाक कर्म करो तु काया। पहले श्लोक की कारिका। अयम धर्म स्वस्य एव, जिनका संबंध शरीर से है, संसार से है, लौकिक पारलौकिक भोगों से है, उनका धर्म उसका वर्णन तो लोक में है और शास्त्र में है, वेद में है। लोक परंपरा से प्राप्त हुआ धर्म है और शास्त्र में उस धर्म का विवेचन है। लेकिन जो मन बुद्धि चित्त की संपूर्ण वृत्ति श्री कृष्णार्पित कर चुके हैं, ऐसे प्रपन्न वैष्णवों का धर्म यही है वे सर्वतो भावेन श्री कृष्ण का ही अनुभव करें, दूसरा उनका कोई धर्म नहीं है। नान्यः, इस धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं है, क्वापि कहीं भी नहीं है, कदाचन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। एकमात्र धर्म वैष्णव का यही है जो सर्वदा सर्वकाल में भजनीय जो बिजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं उनका ही भजन करे, उनकी ही उपासना करे, उनका ही अनुभव करे। कह इस प्रकार से जब निरंतर अनुसंधान करेगा, श्री कृष्ण की अनुराग पूर्वक सेवा करेगा, तो एवं सदास्म कर्तव्यम, सार्वकालिक वैष्णव का कर्तव्य यही है, निरंतर सेवा ही करे। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने कहा कि वैष्णव की संपत्ति क्या है, हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मांझ तिन्ही की पद रेणु आशा जी ये करी है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मांझ तिन्ही की पद रेणु आशा जी ये करी है। जोगी जपी तपिता सो मेरो कछु काज नाही, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरी है। ये प्रीत की प्रतीत और उसकी जो विलक्षण रीति है वो क्या है? कहते हैं कि वैष्णव का धन क्या है? कहते सेवा ही की रिद्धि हिये राखी बहु जोरी के, सेवा की संपत्ति को ही बटोर बटोर कर वैष्णव रखता है, यही वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस भगवत भागवत कैंकर्य रूपी संपत्ति, ये संपत्ति जिसके प्राप्त होती है, आचार्य चरण कहते हैं वो श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लेता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। कहते इस प्रकार से यदि सेवा की संपत्ति को स्वीकार कर लिया गया तो कहते फिर तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं एव करिष्यति। सर्व समर्थ श्री कृष्ण जीव के कल्याण के लिए जो आवश्यक है अपने आप कर देंगे, कल्याण की भी प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। क्यों? कहते प्रभु सर्व समर्थ हो ही, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो श्री नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, वे तो प्रभु जानत सब बिनहि जनाए कहू कवन से भी लोक रिझाए, वे अपने आप सब कुछ कर देंगे। और जब इस भाव की प्रतिष्ठा निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते करते हो जाएगी तो बोले ततो निश्चिंतताम ब्रजेत, इसके बाद जीव कृतार्थ हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, फिर निश्चिंतता आ जाएगी। निश्चिंतता का की चर्चा हम कर रहे थे, बोले काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार। ये निश्चिंतता है। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं काहू के बल भजन को कुल करनी की आस, काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस, भक्त दाम माला सुघर उर्वशो नारायण दास। अब तीसरी बात कह रहे हैं, बड़ी सार की बात है लेकिन इसमें निवेदन यही है, इसका हम महाप्रभु जी के शब्दों का श्रवण करके उसका ठीक ठीक अर्थानुसंधान करें, कहीं अनर्थ कर दिया तो अपराध बन जाएगा।
महाप्रभु जी कहते हैं कि हमने वृत्त जी की चतुश्लोकी का अनुसंधान करके यह भाव स्वीकार किया है कि यदि श्री गोकुलाधीशः यदि श्री गोकुलाधीशः धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैः अपि। यदि श्री गोकुलाधीश नंदनंदन श्याम सुंदर को सर्वात्म भाव से अंतःकरण में विराजमान कर लिया है, हृदय में धारण कर लिया है, ततः किम अपरम, तो हे वैष्णवो बताओ फिर अब अन्य किसी साधन से प्रयोजन क्या रह गया। अब न तो लौकिक धर्म की आवश्यकता है और न वैदिक धर्म की आवश्यकता है, फिर लोक और वेद दोनों नीचे रह गए और वह प्रेम रूप धर्म ऊपर उठ करके आ गया। लेकिन ध्यान दें, यदि श्री गोकुलाधीश धृता सर्वात्मना हृदि, ये पूर्व पक्ष है, यदि नंदनंदन श्याम सुंदर को सर्वात्म भाव से हृदय में धारण कर लिया है तो लोक धर्म का भी त्याग कर दो तो कोई हानि नहीं, और वैदिक धर्म का भी त्याग हो जाए तो भी कोई हानि नहीं है। ऐसे अनुरागी संतों के वैदिक कृत्य तो ऋषि लोग कर लेते हैं। तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षया, 60 करोड़ ऋषि संध्या वंदन कर लेते हैं, अनुरागी संत प्रेम में डूबकर संध्या ही छूट गई उसकी, ऋषि लोग कर लेते संध्या वंदन, कर्म लोभ का अपराध उसे नहीं लगता। लोग अर्थ का अनर्थ ये कहते हैं, अरे बोले अब तो हम वैष्णव हो गए, अब हमको क्या है, तो लोक धर्म तो खूब बारीकी से करेंगे और लोक धर्म को निर्वाह करने के लिए छल कपट दंभ पाखंड का भी आश्रय लेने में चूकेंगे नहीं, और वैविध धर्मता क्या त्याग कर देंगे, बोले हमको कुल देवता की पूजा की क्या जरूरत है, हमको यज्ञ की क्या जरूरत, बोले हम तो अनन्य हैं। अर्थ का अनर्थ, शिक्षा के लिए हम कह रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। एक बार जा रहे थे कहीं बाहर, समय हो गया ठाकुर सेवा का, तो श्री यमुना जी का गंगा जी का जल साथ में था, स्नान करके नागदा स्टेशन के आगे स्नान करके वो ठाकुर सेवा के लिए चरणामृत लिया। एक वैष्णव जो है गले में तुलसी बांधे थे, तो मन में भाव जगा कि ये वैष्णव है गले में तुलसी, तो इनको चरणामृत ठाकुर जी का दे दें, तो शालराम जी का चरणामृत और प्रसाद दिया, तो उन्होंने कहा हम अनन्य मार्गी हैं, हम नहीं लेते हैं। बहुत पीड़ा हुई हृदय को, कहते कुछ नहीं बना लेकिन हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा कि ये तो भगवत प्रसाद और चरणामृत का तिरस्कार हो गया, इसका अपराध किसके सिर पे जाएगा, बिना मांगे देना नहीं चाहिए, हम तो केवल कंठी देख करके तुलसी गले में दिखाई पड़ी, तो सोचा कि सजातीय हैं हमारे, तो जब तुलसी वाले हैं तो सजातीय हैं, तो इनको चरणामृत प्रसाद दे दें, मना कर दिए। फिर जो कुछ रेल में खाने पीने को मिलता है वो खूब खाते पीते चले जा रहे थे, जो कुछ ठंडा मीठा पीने को मिलता है या खाने को मिलता सब खाते चले जा रहे थे। तो हमने बड़े प्रेम से उनसे कहा, हमने कहा कि इसमें आपकी अनन्यता भंग नहीं हो रही है, कहते नहीं नहीं हमारे गुसाई जी ने हमको यही बताया। अरे हमने कहा मूर्ख, गुसाई जी ने थोड़ी बताया, गुसाई जी तो यदि श्री गोकुलाधीशा हृदय में यदि ठाकुर जी हैं तो फिर किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, फिर तो ऐसी स्थिति जब चित्त की हो जाएगी, हृदय में ये बस जाएंगे तो फिर कुछ बाहर दिखाई पड़ेगा, फिर बाहर कुछ सुनाई पड़ेगा, फिर तो उनके रूप में मन ऐसा फंसा रहेगा कि तन मन बसन की सुध ही नहीं रहेगी। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहिं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दई असि एचिके मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।